ना भूलें। खरगोन जिले के बेड़िया के ग्राम बकाओ में आज मालवा माटी के मां सरस्वती के वरद पुत्र परम पूज्य श्री कमल किशोर जी नागर के सुपुत्र श्री प्रभु जी नागर के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं और कंस के द्वारा जो मथुरा नगरी में अत्याचार किया इस संदर्भों पर कथा श्रवण पान करवाया। जीवन जीने के मूल रूपी उद्देश्य दिए भागवत का रसपान करने दूर दूर से हजारों के लगभग श्रद्धालु पधारे। नागर जी के भजन और श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुनकर कथा पांडाल भक्तिमय हो गया। श्री नागर जी ने भक्तों से कहा कि हम आपको नए वर्ष की शुभकामना नहीं देंगे, हम 2019 की बधाई जरूर देंगे, क्योंकि 2019 में राष्ट्र हित और धर्म हित में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। ये कथा 1 तारीख से शुरू हुई है और उस दिन से हजारों की संख्या में आस पड़ोस के और ग्राम के सभी लोग आ रहे हैं, क्षेत्रवासी सभी भाग ले रहे हैं और गुरुदेव के सानिध्य में लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो जाप है, रात में भी 24 घंटे चलते हैं और रात में भी हजारों श्रद्धालु आते हैं और मंत्र का जाप करते हैं और धर्म का लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव के भजनों पर खूब उत्साह से नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं और धर्म की खूब लाभ ले रहे हैं। कथा जो हो रही है संबंध में क्या कहेंगे आप? आज गोलोक धाम बकाओ में पधारे सभी धर्म प्रेमी जनता, हमारे यहाँ ग्राम बकाओ में परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव कमल किशोर जी नागर के सुपुत्र प्रभु जी नागर के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हम सभी आयोजक गण एवं ग्रामवासी बकावा के सभी उनका दिल से सम्मान करते हैं। हमारे गुरुदेव का एक ही ध्येय है कि जो भी कथा होती है उसकी संपूर्ण राशि गौशाला में समर्पित रहती है। वह न किसी से दान लेते हैं, न किसी से कोई चंदा स्वीकार करते हैं। जो भी राशि भक्तगणों द्वारा दी जाती है वह संपूर्ण राशि गौशाला को ही समर्पित होती है। उनका शुरू से ध्येय है। सन 1997 में भी हमारे यहाँ पर गौशाला के लिए समर्पित जो कथा हुई थी उसमें भी बहुत अच्छा हमारे धर्म प्रेमी जनता द्वारा सहयोग किया गया था। आप ग्राम बकावा की कथा का लाइव जो देख रहे हैं, हमारा ग्राम बकावा शिवलिंग के निर्माण के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग केवल बकावा में ही निर्माण होता है, जो कि पूरे विश्व में यहाँ से शिवालय में लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। एवं गुरुदेव को दिल से जुड़े हमारे सभी धर्म प्रेमी जनता यहाँ पर आज भी अपार जन समूह के साथ सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। एवं जो भी राशि कथा श्रवण के अंतर्गत दान राशि आती है वह पूरी राशि गोलोक धाम बकावा को समर्पित है। खैर, न हम इसको नया वर्ष मानते हैं, न आपको नए साल की कोई शुभकामना दे रहे हैं। हाँ, हम 2019 की बधाई आपको जरूर देते हैं कि जिस 2019 में राष्ट्र हित और धर्म हित में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। हम बधाई और शुभकामना आपको 2020 की नहीं दे रहे हैं साहब, 2019 की दे रहे हैं। राम के लिए फैसला आया है और जो जो भी हुआ आप सब जानते हो, उसका ज्यादा अपने को यहां से प्रचार प्रसार नहीं करना है, अपने को तो अपनी ढपली बजानी है बस। पर 2019 को धन्यवाद इसलिए है और बधाई इसलिए है क्योंकि उसने बहुत बड़ा सामर्थ्य का काम किया है। बधाई आप देते हो, कोई दिवाली की बधाई देता है, कोई जन्मदिन की बधाई देता है, ठीक है, लेकिन हमारा एक आग्रह है आपसे, जो जो भी अच्छे काम करते हैं उनको आप जरूर बधाई दिया करो। भले एक बार दिवाली दशहरे की बधाई रह जाएगी तो चलेगा, जन्म दिवस की बधाई देना चूक जाओगे, छूट जाएगा, चलेगा, लेकिन जो अच्छा काम करता आपके गांव में, शहर में, नगर में, परिवार में, उसको उसके अच्छे काम की बधाई जरूर देना। वारे, तूने बहुत अच्छा काम किया, धन्य है, धन्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।